कबीर ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे न पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिनांक 2-3 व 4 जून को परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज रहित विवाह व विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल है शतलोक आश्रम उड़धन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, व शतलोक आश्रम पिठौदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, कल के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा होने जा रहा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी रात के बज रहे हैं 9, तो हम जा रहे हैं बैतूल। कल सुबह बैतूल पहुंच जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे भोपाल रेलवे स्टेशन, फिर भोपाल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते इटारसी जाएंगे, फिर इटारसी से अपनी पकड़ेंगे ट्रेन, जिसमें हमारे पिताजी भी होंगे और दीदी होगी और भी परिवार के होंगे, फिर उनके साथ उस ट्रेन से इटारसी से जाएंगे बैतूल। फिर वहाँ जो विशाल भंडारा हो रहा है, वहाँ का जो सीन है वो आप सभी को दिखाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच पाए। तो चलते हैं फिर अपने भोपाल रेलवे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्या नमाए। वेदों में पूर्ण परमात्मा के गुणों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसी गुण को दर्शाते हुए कबीर परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को सहशरीर अपने निज अविनाशी धाम सतलोक से काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में स्वयं आकर प्रकट हुए थे। इसी भव्य उपलक्ष्य पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 2, 3 व 4 जून 2023 को कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी घी में बने लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 जून 2023 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा, तथा तीनों दिन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। इस पवित्र समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम खमाड़ो पंजाब, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम रोहतक हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम पिठौदा इंदौर। इस भव्य कार्यक्रम का तो अभी यहां से हम पकड़ेंगे रेड बस, फिर जाएंगे भोपाल रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन, तो अभी अंदर जाके टिकट कटाएंगे, फिर हमारी ट्रेन आने वाली है, फिर इसके बाद निकलेंगे इटारसी के लिए। ये रहा भोपाल रेलवे स्टेशन। तो अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जिसपे हमारी ट्रेन आना है, जा रहे हैं। ये बच चुके हैं अपने एक, तो हम पहुंच चुके हैं इटारसी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आ रही हमारी अमरावती एक्सप्रेस, फिर उससे जाएंगे हम बैतूल। तो इटारसी से हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भीड़ बहुत सारी दिख रही है, फिर चल के दिख। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, बैतूल पर पहुंच चुके हैं। अब जहाँ विशाल भंडारा का आयोजन हो रहा है, वहाँ जाकर फिर सीन दिखाते हैं। बैतूल रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं बैतूल रेलवे स्टेशन, फिर यहाँ से जाएंगे उस स्थान पर, जिस स्थान पर विशाल भंडारा कबीर प्रकट दिवस का हो रहा है, फिर उधर का चलकर सीन दिखाते हैं आप सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।
यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही देखने को मिल रहा है कि भक्त लोगों को ले जाने के लिए बस का इंतजाम किया गया है। तो जहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब अंदर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर विशाल भंडारे के लिए, तो अंदर चल के और दिखाते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल रखने की व्यवस्था भी की गई है भक्तों के लिए। में अच्छा है ओ भगत जी, ए भगत जी बाल आगे जमा हो जाए। हाँ कौन बोला? जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है जिसके साथ भंडार रहे हैं। इसका जो पंडाल है वो कितना ही बड़ा पंडाल बनाया गया है भंडारे के लिए, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि पुरुषों के लिए अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है भंडारे के लिए।
सर छोटी बच्ची है छोटी बच्ची है क्योंकि अपना नाम साक्षी दासी छत्तीसगढ़ से बता रही है। इनके माता पिता से प्रार्थना है जल्द से जल्द अनाउंसमेंट ऑफ सरकार आकर अपनी बच्ची को ले जाए। अभी यहाँ पर 151 जोड़ों का विवाह निःशुल्क दहेज मुक्त एवं अंतर जाति विवाह होने जा रहा है जो कि 17 मिनट में समाप्त हो जाएगा। 17 मिनट में एक तरह की इधर रमणी होती है तो उन सभी का विवाह 17 मिनट में हो जाएगा। बैतूल जंक्शन मेरा मोबाइल की जो बैटरी पर डेट हो गई थी इसलिए वहाँ से निकलने की वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हम फिर जाएंगे भोपाल अपने रूम पर फिर तो वीडियो को पूरी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, रखते हैं। And our problem is not in her.